बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ओमास किचन और आज हम सीजनल जो है वो शेक आपके साथ शेयर करेंगे बनाना। ज़रूर बनाइएगा, बहुत हेल्दी है। स्ट्रॉबेरीज और बनाना का शेक है। स्ट्रॉबेरीज मैंने तकरीबन 1 बाउल स्ट्रॉबेरी का है और 2 जो हैं वो बनानास लिए हैं। इनको आपने क्यूब्स में काट लेना है और साथ में फ्रेश क्रीम यूज़ करूँगी 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून ही शुगर यूज़ करूँगी। शुगर अगर आप यूज़ करें तो ठीक है, नहीं करें तो उसके बगैर भी जो लोग डाइटिंग पे हैं वो बेचक ना इस्तेमाल करें। और साथ जो है वो मेरा तकरीबन 2 ग्लास में बना रही हूँ तो 1/2 kg मिल्क यूज़ करूँगी, फ्रेश मिल्क है। और मैं किस चीज़ से बनाऊँगी, ये ब्लेंडर है, मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करूँगी, जूसर नहीं, हैंड ब्लेंडर, ठीक है, जो कि बहुत आसान है, बहुत इजी है धोना भी, उसको इस्तेमाल करना भी, उसको रखना भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले आपने इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह, आप अपना जो बनाना है वो डालेंगे। एक खुला बर्तन मैंने लिया है जिसमें हैंड ब्लेंडर जो है वो इजीली काम करेगा। इसके साथ आप स्ट्रॉबेरीज ऐड करें। स्ट्रॉबेरीज जो है ये मैंने फ्रीज की हुई थी, आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। पहले आप स्ट्रॉबेरीज को धोएं, धोने के बाद पहले जो इसका ऊपर का होता है वो जो कटिंग शटिंग होती है वो करें, जहाँ से ख़राब है वो हिस्सा भी काट लें। फिर आप इसको वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप इसके पॉलीथीन बैग्स लें और पाव पाव के या 2-4 दाने 10 दाने इतने भी आप डालना चाहें आप डाल के उसके बैग्स बना के ऊपर फ्रीजर में फ्रीज कर दें तो ये लॉन्ग लास्टिंग होगी और काफ़ी देर जो है ये फ्रीज रहेगी। अच्छा, ये मैं ऐड कर रही हूँ क्रीम, 2 टेबलस्पून जो है मैं क्रीम का इस्तेमाल करूँगी इसमें, और ये मैं फ्रेश क्रीम यूज़ करी हूँ, मिल्क पैड क्रीम और ये वो कोई भी क्रीम्स मैं नहीं यूज़ करी। साथ में ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून शुगर और अब मैं ऐड करूँगी मिल्क, मिल्क भी फ्रेश है, मिल्क भी फ्रेश है। इसको आपने बॉईल कर लेना है, बॉईल करके आपने ठंडा कर लेना है और फिर आपने इसका शेक बनाना है। तकरीबन मैं 2 ग्लास जो है वो शेक प्रिपेयर करूँगी। जी, अब आप ये देख लें इंग्रेडिएंट्स मैंने सारे अपने स्टील बाउल में डाल दिए हैं। अब मैं हैंड ब्लेंडर यूज़ करने लगी हूँ। हैंड ब्लेंडर की मदद से हम इसका जो शेक है वो बहुत आसानी से बना लेंगे। प्रेशर होता है उससे जो बर्तन है वो आपका इस तरह से रिवॉल्व करता है। सो आपने इसको मजबूती से पकड़ के रखना है क्योंकि ये नीचे की तरफ सक करता है, नीचे की तरफ खींचता है ये जो हैंड ब्लेंडर है। ये बहुत इजी है, इजी टू यूज है, जब आप इसको वॉश करेंगे बहुत आसान है। यहाँ से आपने इसको ऐसे करके कर लेना है और सिर्फ यही जो चीज़ है ये आपको वॉश करनी पड़ेगी, तो इट्स वेरी इजी। अच्छा, इसके बाद आपने इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाना है, लाइक 30-30 सेकंड्स का आपने गैप देके तो चलाना है, अदरवाइज आपकी मशीन खराब भी हो सकती है। कि जूसर से ज्यादा बहुत अच्छी तरह से हमारा जो शेक है वो रेडी हो चुका है। बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बड़े भी बहुत पसंद करते हैं, मुझे खुद स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है। स्ट्रॉबेरीज का सीजन है, आप उसको स्टोर करके जाम बना सकते हैं। हर वो चीज जो आप बनाना चाह रहे हैं उसकी बहुत आसानी से बन जाएगी। तो अब मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ। जी, एक ग्लास में मैंने डाल दिया है, दूसरे ग्लास में मैं आपके सामने जो है वो इसको ऐड कर रही हूँ। ये देखें जी, कितना थिक और कितना मज़े का जो है वो हमारा स्ट्रॉबेरी शेक जो है वो रेडी हुआ है। ज़रूर बनाइएगा और अपने घर वालों को भी दें, सीजनल शेक है, बहुत मज़े का लगता है। शुगर अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो करें, नहीं करना चाह रहे तो भी वेल एंड गुड। और अपने व्यूज़ का ज़रूर मुझे कॉमेंट करते रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। मज़ीद नई और अच्छी वीडियोस के लिए देखते रहिए ओमास किचन। और अगर आपने बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया तो मज़ीद नई और अच्छी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन का प्रेस होना बहुत ज़रूरी है, वो आप ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। देखते रहिए ओमास किचन। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।